हेलो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज देखेंगे जिला स्वास्थ्य समिति नवरंगपुर जो उड़ीसा का साइकेट्रिक नर्स वैकेंसी 2020 का टोटल पोस्ट कितना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। सैलरी पर मंथ रहेगा 20,130 रुपीज एंड लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का 30 दिसंबर 2020। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं इसका कॉन्क्रीट एडवर्टाइजमेंट क्या है। देखो दोस्तों ये है जिला स्वास्थ्य समिति नवरंगपुर का है। जो ऑफिस ऑफ द सीडीएम पीएचओ कॉम डिस्ट्रिक्ट मिशन डायरेक्टर नवरंगपुर उड़ीसा का है। ऑलरेडी 16 दिसंबर 2020 ऑलरेडी इसका आ गया है वैकेंसी। जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए ये इनवाइट किया गया है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में। मंथली रेमुनरेशन फिक्स सैलरी मिलेगा। ये याद रखिए यहाँ पर ही कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में। आप लोगों को डिटेल देखना है तो ये वेबसाइट में विजिट कीजिए www.navarangpur.nic.in में। कितना टोटल वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, नॉमिनेशन क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगा, इसको जरूर याद रखना है। उसके साथ साथ कंप्लीट प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डालना है आपको, टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका टोटल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड सब कुछ होना चाहिए। और ये कहाँ पहुंच जाना चाहिए, सीडीएम एंड पीएचओ नवरंगपुर डेट पोस्ट मिरांगागुड़ा डिस्ट्रिक्ट नवरंगपुर पिन 7604 में। जो 30 दिसंबर 2020 के पहले पहुंच जाने चाहिए। तो आपका जो लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइकेट्रिक नर्स ऐसे बोल के लिखना है। चलो देखते हैं इसका कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट क्या है। देखो दोस्तों ये है अगर आप वहीं पर गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। देखो ये इसका कंप्लीट एड्रेस है VI में। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ये ऑलरेडी पहुंच जाना चाहिए। कब पहुंचना चाहिए, 30 दिसंबर 2020। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ये है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको जरूर याद रखो। एप्लीकेशन फॉर्म देखो पोस्ट अप्लाइड फॉर सेक्रेटरी नर्स स्टाफ नर्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ आपको सब चीज यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर एनक्लोजर क्या क्या है, प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म जो दिखाया था आपको उसको भी अटैच करना है। नो ऑब्जेक्शन अगर है तो वो डालिए, एज प्रूफ और एनी आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सो डाल दीजिए, फोटो को ऑल एकेडमिक सर्टिफिकेट मार्कशीट सेट बाटी वो भी डाल दीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी डाल दीजिए, रिसेंट पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दीजिए दोस्तों। डिक्लेरेशन यहाँ पर भी करना है, मैं जो दे रहा हूँ वो सब ठीक है ट्रू है। उसके बाद देखेंगे देखो साइकेट्रिक नर्स का हम अभी वैकेंसी देखेंगे। साइकेट्रिक नर्स जो होगा पोस्ट का नाम है साइकेट्रिक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जीएनएम पास आउट होना चाहिए 3 मेडिकल कॉलेज या एमसीएल से जो कि आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए वही इंस्टीट्यूशन या उड़ीसा नर्सेस एंड मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन काउंसिल में उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का डिप्लोमा इन सेक्रेटरी नर्सिंग में तो प्रीफिल भी उनको दिया जाएगा। एचएससी का 20% लिया जाएगा, प्लस टू साइंस का 30%, बीएससी और डिप्लोमा इन जीएनएम 50%। जो एज लिमिट है वो 65 ईयर्स एज होगा। मैक्सिमम एज होगा 65 ईयर। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा उसके बाद कॉम्पिटेंट बेस्ड स्किल टेस्ट दिया जाएगा। 11 स्किल टेस्ट किया जाएगा रिलेटेड बेस्ड फॉलोइंग ओसीई मॉडल। और ग्रेटर देन 70% सिक्योर करता है तो उसको पोस्ट दिया जाएगा। ये है दोस्तों इसका कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद देखेंगे पर मंथ कितना मिलेगा। देखो जो स्टाफ नर्स वैकेंसी है एक टू पोस्ट है, पर मंथ 20,130 रुपीज मिलेगा दोस्तों। ये है इसका कंप्लीट
ओके नोटी डिलीट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। चैनल को आप हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।